तो दोस्तों, भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम को लेकर एक बहुत बड़ी और अच्छी खुशखबरी निकल के सामने आई है और भारत से जलने वालों का बुरा हाल होने वाला है, क्योंकि भारत में एक बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट होने वाली है। दरअसल आप सभी को पता है कि भारत चाहता है कि भारत के भी ईवी सेक्टर को एक बड़ा पुश मिले, और यह पुश हमें तभी मिल पाता जब विदेशी कंपनियां भारत में आकर इन्वेस्ट करती और भारतीय कंपनियों के साथ साझेदारी करती। और हमने इसके लिए अमेरिका की कंपनी टेस्ला के साथ बातचीत स्टार्ट करी, ताकि टेस्ला आकर भारत के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग करके भारत के अंदर अपनी कार सेल करे। परंतु टेस्ला कंपनी के जो मालिक हैं एलोन मस्क, उनको भारत सरकार का मेक इन इंडिया कार्यक्रम पसंद नहीं आया और उन्होंने भारत सरकार से कहा कि हम आपके यहाँ पर हमारी गाड़ियों को बेचेंगे तो, परंतु हम इन गाड़ियों को चीन के अंदर बनाएंगे और वहां से बनाकर आपके मार्केट में बेचेंगे, और यह भारत के लिए बहुत बड़ा घाटे का सौदा होता, क्योंकि टेस्ला की जब भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती तो से भारत को फायदा नहीं होता और सारा जो फायदा है वो टेस्ला कंपनी को ही जाता। इसलिए भारत सरकार ने इस डील को रद्द कर दिया। परंतु आज यह खबर निकल के सामने आई है कि अमेरिका के अंदर टेस्ला की सबसे कट्टर प्रतिद्वंदी जो कंपनी है जिसका नाम है फिस्कर, वो अब भारत के अंदर अपनी एंट्री मारने जा रही है। और फिस्कर कंपनी के जो CEO हैं उनकी तरफ से ऐसी जानकारी निकल के सामने आई है, जो कि आप सभी स्क्रीन के ऊपर स्क्रीनशॉट के रूप में भी देख सकते हो, कि हम भारत के मार्केट के अंदर अपना प्रवेश करने जा रहे हैं और 2026 से हम अपनी गाड़ियों का जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो भारत के अंदर स्थापित करेंगे, और इस प्रकार से जो भारत के अंदर हमारी गाड़ियों की कीमत है वो करीब करीब 16 लाख रुपए के आसपास पड़ेगी। दरअसल भारत के अंदर हर साल करीब 30 लाख इलेक्ट्रिक कारें बिकती हैं, जो कि भारत के कार मार्केट का मात्र 1% है, और भारत चाहता है कि इस इलेक्ट्रिक कार के परसेंटेज को 30% तक बढ़ाया जाए, और इसमें जो अमेरिका की कंपनी है वो भारत की सहायता करेगी। शुरू में तो भारत के मार्केट में अमेरिका से लाई गई कारों को बेचा जाएगा, परंतु 2026 तक इसकी लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। फिलहाल में आप सभी को क्या लगता है, और भारत को ईवी क्षेत्र के अंतर्गत आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या इस फिस्कर कंपनी का भारतीय गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए, हाँ या फिर ना? कमेंट बॉक्स में फिर आप इस दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।